हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अलाउद्दीन के जो प्रारंभिक स्थिति प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद में जब वो कड़ा में ही उसने जो सिंहासनारोहण किया था, जो खुद को टाइटल देकर के राजा बना था, फिर दिल्ली आने पर उसने क्या क्या किया, ये सब हमने पढ़ा। अब हम उसके अभियानों के बारे में पढ़ते हैं। उसके दो अभियान गिने जाते हैं, एक उत्तरी भारत का अभियान, एक दक्षिण भारत का अभियान। आज हम उसके उत्तरी भारत के अभियान पर प्रकाश डालते हैं। अलाउद्दीन अत्यधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। प्रारंभिक सफलताओं के बाद सिकंदर महान की भांति विश्व विजय का स्वप्न देखने लगा। इतना ही नहीं, वह एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था, परंतु दिल्ली कोतवाल अलाउल मुल्क ने उसे नया धर्म संस्थापित करने की योजना को त्यागने तथा विश्व विजय के काम को हाथ में लेने के पूर्व समूचे भारत को जीतने की सलाह दी। अलाउद्दीन ने उसकी सलाह को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं के बाहर स्थित स्वतंत्र हिंदू राज्यों को जीतने का संकल्प किया। इन राज्यों पर आक्रमण करने के लिए उसने किसी उचित कारण अथवा बहाने की आवश्यकता नहीं समझी। अब उत्तर भारत की विजय। अब उसका जो उत्तर भारत का जो अभियान थे, कौन कौन से थे ये हम करते हैं। पहला था गुजरात पर। उन दिनों में गुजरात एक समृद्ध राज्य था। उसकी राजधानी अन्हिलवाड़ा थी और बघेल राजा कर्ण का शासन था। वैसे तो तुर्क आक्रमणकारी गुजरात पर कई बार आक्रमण कर चुके थे, परंतु इस राज्य को जीतने में उन्हें स्थायी सफलता नहीं मिल पाई थी। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने दो सेना नायकों उलुग खान और नुसरत खान को एक विशाल सेना के साथ इस राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा। आक्रमणकारियों ने अन्हिलवाड़ा को घेर लिया। कर्ण की लड़की पर कर्ण अपनी पुत्री देवल देवी के साथ भाग निकला और देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ आश्रय लिया। राज्य पर मुसलमानों का अधिकार और विचार श्रेणी के अनुसार कर्ण के मंत्री माधव के विश्वासघात के कारण तुर्कों को सफलता मिल गई। खंबात में मलिक नुसरत खान को काफूर नामक एक खूबसूरत दास मिला, जो आगे चलकर मलिक काफूर के नाम से विख्यात हुआ। काफूर और कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया। यहां अलाउद्दीन ने कमला देवी के साथ निकाह कर लिया और काफूर को भी अपनी सेवा में रख लिया। गुजरात में प्राप्त धन संपदा के साथ जब शाही सेना वापस लौट रही थी, तो जालौर के निकट लूट के माल के बंटवारे के प्रश्न पर नव मुस्लिम भारत में बसे जो मंगोल थे सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने नुसरत खान के एक भाई और अलाउद्दीन के एक भतीजे सहित कई सैनिकों को मार डाला। वफादार शाही सेना ने बर्बरता के साथ विद्रोहियों का दमन किया, परंतु विद्रोहियों के कुछ नेता भाग निकले और उन्होंने हिंदू शासकों के यहाँ शरण ली। दिल्ली में भी विद्रोहियों के परिवारों पर अमानवीय अत्याचार किए गए। उनके स्त्रियों का सतीत्व लूटा गया और बच्चों को उनकी माताओं के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इतिहासकार बर्नी ने भी इस पार्श्विक कार्य की कटु निंदा की है। फिर हम आते हैं दूसरा, रणथंभौर का अभियान। अलाउद्दीन ने दूसरा आक्रमण रणथंभौर के सुप्रसिद्ध दुर्ग पर किया। यहाँ पर चौहान वंशी हमीरदेव का शासन था। रणथंभौर पर आक्रमण करने के मुख्य कारण इस प्रकार थे। पहला, यह भारत के शक्तिशाली दुर्गों में से एक था और दिल्ली से अत्यधिक दूर न होने से इसका सामरिक महत्व था। दूसरा, यह दुर्ग राजस्थान में पहले तुर्कों की सैनिक चौकी रह चुका था और रजिया के समय चौहानों ने इस पर पुनः कब्जा कर लिया था। तीसरा, यहाँ के शासक हमीरदेव ने सल्तनत के विद्रोही नव मुसलमान सरदारों को आश्रय दे रखा था, इसलिए अलाउद्दीन ने उलुग खान और नुसरत खान को रणथंभौर को आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर पहुंचकर दुर्ग की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी के समय नुसरत खान मारा गया और राजपूतों ने आक्रमण कर शाही सेना को खदेड़कर भगा दिया। तब अलाउद्दीन स्वयं दिल्ली के मार्ग से चला और मार्ग में तिलपत नामक स्थान के निकट सुल्तान के भतीजे अख्त खान ने अलाउद्दीन पर घातक आक्रमण कर स्वयं सुल्तान बनने की स्वप्न देखा, परंतु उसने जल्दबाजी से काम किया। घायल सुल्तान को मरा समझकर वह शाही शिविर आ पहुंचा और उसके पीछे पीछे सुल्तान भी आ धमका।
अख्त खान और उसके समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया गया। रणथंभौर पहुंचकर अलाउद्दीन ने नए सिरे से घेराबंदी की। लगभग एक वर्ष तक घेरा चला। इसी बीच अलाउद्दीन को अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। उसे सूचना मिली कि उसके दो भांजों बदायूं के सूबेदार उमर खान और अवध के सूबेदार मंगू खान ने विद्रोह कर दिया है, परंतु शीघ्र ही उनके विद्रोह को कुचल दिया और उनके परिवारजनों तथा अनुयायियों सहित मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि दिल्ली में भी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया है। हाजी मोहल्ला नामक अधिकारी ने दिल्ली कोतवाल का वध करके किसी सैयद को सिंहासन पर बैठा दिया है। शाही सेना ने इन विद्रोहियों को भी मौत के घाट उतार कर शांति स्थापित की। षड्यंत्रों और विद्रोह तथा लंबी घेराबंदी से परेशान अलाउद्दीन ने छल कपट के साथ रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया। उसने हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमल को अपनी तरफ मिला लिया और उसकी सहायता से दुर्ग पर आक्रमण किया गया। राणा हमीर ने लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की। राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया और अधिकांश राजपूत सैनिक मारे गए। सुल्तान के आदेश से विश्वासघाती रणमल को भी मौत के घाट उतार दिया गया और विजयी अलाउद्दीन दिल्ली लौट गया। नेक्स्ट आते हैं चित्तौड़। अब सुल्तान ने गुहिलोत राजपूतों के शक्तिशाली दुर्ग चित्तौड़ को जीतने का निश्चय किया। इस समय चित्तौड़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन ने दिल्ली से प्रस्थान किया और चित्तौड़ पहुंचकर दुर्ग की सख्त घेराबंदी कर दी। राजपूतों ने अपनी परंपरागत वीरता के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया। 8 माह तक घेरा जारी रहा किंतु सफलता नहीं मिल पाई। परेशान हो गए थे। अंत में भयंकर संघर्ष के बाद मुसलमानों ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। इससे पूर्व राजपूत स्त्रियों ने जौहर रचाया। कर्नाटोर ने लिखा है कि सुंदरी पद्मिनी ने उस समूह का नेतृत्व किया जिसमें वह समस्त स्त्री सौंदर्य एवं यौवन सम्मिलित था, जिसे तातारों की काम पिपासा द्वारा लांछित होने का भय था। राजपूतों की शूरवीरता से कुपित अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार हो जाने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप लगभग 30,000 राजपूत मारे गए। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया। अपने पुत्र खिजर खान को यहाँ का शासक नियुक्त करके सुल्तान दिल्ली लौट गया। रतन सिंह तो मारा गया, परंतु उसके वंशज हमीरदेव ने खिजर खान को इतना परेशान किया कि सुल्तान ने उसके स्थान पर राजपूत सरदार मालदेव को चित्तौड़ का शासन सौंप दिया। 1321 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु के बाद हमीर जीत गया। अब हम आते मालवा। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मालवा पर आक्रमण करने के लिए मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा। मालवा का कुछ भाग तो तुर्क लोग पहले ही जीत चुके थे, शेष भाग पर महलक देव का शासन था। उसका सेनापति हरचंद कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। वह एक निपुण सेनापति और राजनीतिज्ञ था, परंतु शाही सेना के साथ लड़े गए युद्ध में हरचंद मारा गया और हिंदू परास्त हुए। नवंबर 1305 ईस्वी में महलक देव लड़ता हुआ मारा गया और मांडू पर शाही सेना का अधिकार हो गया। इसके बाद शाही सेना ने उज्जैन, धारा नगरी, चंदेरी आदि प्रमुख नगरों को जीतकर संपूर्ण मालवा पर दिल्ली सल्तनत का अधिकार जमा दिया। मालवा की शासन व्यवस्था के लिए सुल्तान ने एक अलग सूबेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट सिवाना और जालौर। रणथंभौर और चित्तौड़ की विजय के उपरांत भी पश्चिमी राजस्थान में सिवाना और जालौर राज्यों में राजपूतों का स्वतंत्र शासन कायम रह गया था, जिसे साम्राज्यवादी अलाउद्दीन अधिक समय तक सहन नहीं कर पाया। 1308 ईस्वी में उसने पहले सिवाना पर आक्रमण किया। वहां का शासक शीतल देव मुस्लिम सेना से लड़ता हुआ मारा गया और सिवाना दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। इसके बाद जालौर पर आक्रमण किया गया। जालौर सिवाना से केवल 50 मील ही दूर था और वहां पर इस समय कान्हर देव का शासन था। मुस्लिम इतिहासकारों के असत्य विवरण के आधार पर बहुत से इतिहासकारों ने धारणा रखी है कि कान्हर देव ने प्रारंभ में सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ वर्षों बाद विद्रोह कर दिया, तब अलाउद्दीन ने जालौर पर आक्रमण करने का आदेश दिया था। परंतु डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अकाट्य तर्कों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि कान्हर देव ने पहले दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जालौर पर आक्रमण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति का ही परिणाम था।
जैसी भी स्थिति रही हो, 1311 ईस्वी में शाही सेना ने जालौर पर जबरदस्त आक्रमण किया। कान्हरदेव और उसके अधिकांश सरदार लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और जालौर पर सुल्तान का अधिकार हो गया। भयंकर युद्ध के बाद कान्हरदेव का केवल एक संबंधी मालदेव बच गया, जिसने कुछ वर्षों बाद सुल्तान की कृपा प्राप्त कर ली और सुल्तान का शासन सौंप दिया। गुजरात, मालवा और राजस्थान की विजय से संपूर्ण उत्तरी भारत अलाउद्दीन के शासन के अंतर्गत आ गया। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों पर अधिकार हो जाने से उसे दक्षिण भारत को जीतने में काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि उत्तर से दक्षिण भारत को जाने वाले अधिकांश मार्ग इन्हीं दुर्गों के आसपास से होकर जाते थे। अब जो जो दक्षिण भारत की विजय है वो हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।